स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर डा में। दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम कुल AUM की बात कर लें तो ये करीब 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन हम बात करेंगे आज 8 उन 32 स्कीमों की जिनका AUM सबसे ज्यादा है। यानी कि कुल अगर हम AUM की बात कर लें 50 लाख करोड़ रुपए AUM में से कुल म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने इन्हीं फंड के अंदर पैसे को निवेश किया है। अगर हम इन 8 स्कीम का AUM मिला लें ये करीब दोस्तों 25 से 20% तक हो सकता है कुल म्यूचुअल फंड AUM का। इस बात से हमें समझ आता है कि इन स्कीम में लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे को निवेश किया है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम भी पैसे निवेश कर रहे हैं तो क्या हमें आज भी इन फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर हमें अभी वेट करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगातार पिछले 8-10 साल से हमें काफी जबरदस्त तो रिटर्न मिला है, लेकिन अभी बजट सेशन आने वाला है 23 जुलाई को, उसके बाद मार्केट का कैसा मूवमेंट रहेगा इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर सरकार का फोकस अभी जिस सेक्टर की तरफ है उसी सेक्टर की तरफ रहता है तो यहाँ से हमें और एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर सरकार का फोकस उन सेक्टर से हटकर महंगाई की तरफ जाता है जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, जिसकी वजह से सरकार ने काफ़ी कुछ घाटा भी उठाया है, क्योंकि पूर्ण मोहब्बत ना मिलना महंगाई सबसे बड़ी वजह थी उसमें, तो हो सकता है अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पावर सेक्टर का बजट कम करके महंगाई की तरफ ध्यान देती है या फिर मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स जो सबसे बड़ी टेंशन है अगर वो बढ़ाती है तो यहाँ पर मार्केट में आपको एक बड़ा करेक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आप पैसे को निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो यहाँ पर हम लमसम पैसे निवेश कर सकते हैं, या फिर ये 8 स्कीम जिनकी आज हम बात करने वाले हैं जिनमें लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है, क्या हम आज भी इन स्कीमों में पैसे को निवेश कर सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज 8 उन 32 स्कीमों की बात करने वाले हैं जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है, यानी कुल AUM इन 8 स्कीमों का सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। तो दोस्तों कौन सी ये स्कीम है, क्या हम इसमें आज भी अगर टोटल मिलाकर 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं और एवरेज रिटर्न अगर हमें स्कीमों में मिल जाता है तो क्या हम एक बड़े फंड बनाने का टारगेट पूरा कर सकते हैं? अगर हमारा 2-2.5 करोड़ रुपये फंड बनाने का टारगेट है तो ये भी हम चेक करेंगे और एक एक करके इन 8 स्कीमों की पूरी डिटेल्स भी इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इसमें पहला फंड जो हम लेकर आए हैं यह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इस फंड का AUM सबसे ज्यादा है क्योंकि इक्विटी के अंदर ये एक ऐसा फंड है जिसने लगातार काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। 8-10 साल इस फंड को हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक फंड का रिटर्न शानदार 21.09% है, जबकि अगर हम पिछले 5 साल की बात कर लें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.33%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 20%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 38%, लास्ट 6 मंथ में फंड ने 17% का रिटर्न और लास्ट 1 मंथ में भी फंड का रिटर्न 4.39% है। लेकिन दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर यहाँ पर लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसे को निवेश किया है, क्योंकि इस फंड के अगर हम AUM की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि 71,700 करोड़ रुपए के आसपास इस फंड का AUM है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। फंड की रेटिंग भी शानदार 5 रेटिंग है और अभी NAV का प्राइस सिर्फ 84 रुपीज़ 31 पैसे है। फंड के अंदर SIP भी आप कर सकते हैं कम से कम 1,000 रुपये मंथली से और आप लमसम में 5,000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इसी कैटेगरी में सेकेंड फंड जो हम लेकर आए हैं जिसका AUM सबसे बड़ा है वो है HDFC का एक बेहतरीन मिड कैप फंड। यानी दोस्तों इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप कैटेगरी की सारी कंपनी शामिल हैं, लेकिन इस फंड ने लगातार जो रिटर्न है वो काफ़ी शानदार दिया है। लगभग 23% के आसपास इस फंड का CAGR है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 29.51%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 30%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 53% और 6 मंथ में भी फंड ने 23.41% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फंड के अंदर लोगों ने काफी ज्यादा पैसे को निवेश किया हुआ है। कुल म्यूचुअल फंड का AUM इस फंड का 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फंड की रेटिंग शानदार 4 है और 203 रुपए फंड के NAV का प्राइस है। फंड में SIP भी कर सकते हैं आप 100 रुपए से और लमसम में 5,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड फंड है हमारे पास ICICI प्रो का ब्लू चिप फंड। दोस्तों ये फंड भी काफी बेहतरीन है ब्लू चिप कैटेगरी में, यानी कि पोर्टफोलियो में ज्यादातर लार्ज कैप कंपनी ही शामिल है और फंड ने लगातार जो रिटर्न है वो भी काफ़ी बेहतर दिया है 17.20% का। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 20.91%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 22.56%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 40%
और 6 मंथ में भी फंड ने 18.25% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड के एनएवी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 116 रुपीज यानी कि 116 रुपए है। रेटिंग भी फंड की शानदार 5 है, जबकि फंड के अंदर करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों ने पैसे को निवेश भी किया है। फंड के अंदर SIP में 100 रुपए लमसम में 5,000 तक आप निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंड जो हमने पिक किया है जिसका UM सबसे ज्यादा है वो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इस फंड ने लगातार रिटर्न तो बेहतर दिया है, इसके साथ साथ लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा भी निवेश किया है। फंड का एनुअलाइज रिटर्न 18.02% है, जबकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न 22.84%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 27.97%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 45% और 6 मंथ में फंड ने 20.87% का रिटर्न दिया है। इस फंड के अंदर भी लगातार एक शानदार रिटर्न मिला है। 2020 कोरोना लॉकडाउन के बाद से अब तक फंड ने काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड के UM की बात करें तो 59,123 करोड़ रुपए फंड का UM है। रेटिंग फंड की 4 है, जबकि 2,000 रुपए फंड के NAV का प्राइस है। फंड में SIP भी आप कर सकते हैं, 100 रुपए से और लमसम में आप 5,000 रुपए तक इस फंड में डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंड हमारे पास है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड का UM भी काफी बड़ा है और इस फंड ने लगातार रिटर्न भी काफी बेहतर दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इस फंड का पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों ने पैसा भी निवेश किया है। रिटर्न की बात की जाए तो फंड का एनुअलाइज रिटर्न 28.34% है, वो भी लगातार 10 साल से। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 36.96%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 33.31%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 58% और 6 मंथ में भी फंड ने 25.60% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड में भी स्मॉल कैप कैटेगरी के होने के बावजूद लोगों ने ज्यादा पैसा निवेश करके एक बढ़िया रिटर्न भी पाया है। दोस्तों इस फंड का UM अगर हम बात करें तो यह है 56,468 करोड़ रुपए का। रेटिंग फंड की 5 है, जबकि 196 रुपए फंड के NAV का प्राइस है। इस फंड में भी आप SIP कर सकते हैं, 100 रुपए से लमसम इस फंड के अंदर अभी बंद है। इसके बाद दोस्तों 3 फंड हमने पिक किए हैं जो है दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी के। इनके अंदर भी लोगों ने काफी ज्यादा पैसा निवेश किया है। इसमें पहला फंड है HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है ये हाइब्रिड कैटेगरी का। यानी यहाँ पर इक्विटी के अलावा डेट फंड में पैसे को निवेश किया गया है और फंड का एनुअलाइज रिटर्न 16.96% है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड ने 20.73% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 25.36% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 42% और 6 मंथ में फंड ने 16.55% का रिटर्न दिया है। दोस्तों HDFC के इस बैलेंस एडवांटेज फंड में लोगों ने ज़्यादा पैसा इसलिए निवेश किया है क्योंकि फंड पर सिर्फ 70% पैसे पर ही रिस्क है जो भी हम निवेश करते हैं, बाकी का 30% पैसा फंड का डेट फंड में निवेश किया गया है। दोस्तों फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 543 रुपीज़ है, फंड की रेटिंग 5 है और 89,903 यानी कि करीब 90,000 करोड़ रुपये के आसपास लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश किया है। फंड में SIP आप कर सकते हैं 100 रुपये से कम और लमसम में आप 5,000 रुपए तक डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंड हमारे पास है SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों ये फंड भी हाइब्रिड कैटेगरी का है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और इस फंड ने रिटर्न काफी बढ़िया दिया है 15.67% का। फंड का पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, जबकि 5 साल की बात कर ले तब भी रिटर्न 15.89%, 3 ईयर का रिटर्न 14.66%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 27.39% और 6 मंथ में भी फंड ने 14.28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर हम AUM की बात कर लें तो यह 71,495 करोड़ रुपए का, फंड की रेटिंग 3 है, 305 रुपए फंड के NAV का प्राइस है। फंड में SIP कर सकते हैं 500 रुपए कम से कम और लमसम में 5,000 तक आप डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट फंड हमारे पास है ICICI प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के अंदर यहाँ पर रिटर्न भले ही कम हो लेकिन दोस्तों इस फंड ने लगातार एक स्टेबल रिटर्न दिया है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है हाइब्रिड कैटेगरी का, यानी यहाँ पर पैसे को इक्विटी के अलावा डेट फंड में निवेश किया गया है। एनुअलाइज रिटर्न 13.64% है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न 14.47%, 3 ईयर का रिटर्न 14.49%, 1 ईयर का रिटर्न 22.94% और 6 मंथ में फंड ने 10.67% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 8 फंड थे जिनमें लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे को निवेश किया और इन फंड का कुल AUM सबसे ज्यादा है अगर हम कुल आज की डेट में बात करें तो। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर इन सभी फंड के अंदर 1,00,000 रुपए का निवेश करते हैं और एवरेज रिटर्न अगर हमें 20% का मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों हम टारगेट रखते हैं पैसे को निवेश करने का स्टार्टिंग सिर्फ 6 साल का, तो 6 साल में 1,00,000 से हम
2,98,000 रुपये का फंड बना सकते हैं 1,98,000 रिटर्न के साथ। लेकिन अगर हम निवेश करते हैं पैसे को 12 साल के लिए, तो 1,00,000 का निवेश करके हम 8,91,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 7,91,000 का रिटर्न होगा। और अगर हम निवेश करते हैं पैसे को 18 साल के लिए, तो यहाँ पर 1,00,000 का निवेश करके हम 26,62,000 रुपये का फंड बनाएंगे 25,62,000 रिटर्न के साथ। और अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 24 साल के लिए, तो 1,00,000 रुपये का निवेश करके 79,49,000 रुपये का फंड बनाएंगे 78,49,000 का रिटर्न होगा। और दोस्तों, अगर हम 30 साल तक इस 1,00,000 रुपये को निवेश करते हैं, तो यहाँ से हम 2,37,00,000 रुपये तक फंड भी बना सकते हैं, 2,36,00,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। तो दोस्तों, इन 8 फंड के अंदर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तब भी हम पैसे को निवेश करके अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, तो आप ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।